निचले स्तर पर आया भारत में सोना, 50,000 के करीब पहुंची भारत में सोने की कीमत। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $1,700 के नीचे। महंगाई सोने की जगह डॉलर को सपोर्ट कर रही है। बता दें आज भारी गिरावट देखी जा रही है सोने में, देखने को मिल रही है। MCX पर सोना अब 50,000 के नीचे लुढ़क गया है। चांदी में भी हलचल तेज हुई है, चांदी में लगातार हलचल मची हुई है। चांदी के भाव में 1,000 रुपए से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। मेरे साथ विश्वमोहन, काफी तेजी से रुपए में ये हम गिरावट आते हुए देख रहे हैं। कई एक्सपर्ट से बात की होगी आपने, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, ज्यादातर जानकारों को लग रहा है कि ये रुपए की गिरावट और कंटिन्यू हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूत हो रहा है, फेड का रुख काफी सख्त है और दुनिया की बाकी करेंसी भी गिर रही है, ऐसे में लग नहीं रहा है कि रुपए की गिरावट। प्राइस की जो बाइंग चल रही थी पिछले 3 महीने से, वो बाइंग भी अब रिवर्स होती दिख रही है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड लगातार वहां बढ़ रहा है डॉलर में मजबूती की वजह से और ब्याज दरें बढ़ने की वजह से, तो वहां पर लोग पैसे लगा रहे हैं, तो यहां से निकाल के अब FIIs के पैसे US में वापस जा रहे हैं, तो ये एक बड़ी चिंता है। और RBI जब अगले हफ्ते जब MPC की बैठक होगी, तो सबसे बड़ी चुनौती होगी लिक्विडिटी को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जो फिलहाल जो लिक्विडिटी की स्थिति है वो डेफिसिट में चल रही है। ऐसे में RBI के पास चुनौती होगा गिरते रुपए को बचाना और फिर ब्याज दरें कैसे बढ़ाए, क्योंकि एक रेट भी डिफरेंस हो गया है। जो फेड ने जैसे इस साल 3% ब्याज दरें बढ़ाई और RBI की तरफ से 1.4% ब्याज दरें बढ़ी है, तो एक रेट डिफरेंशियल की वजह से भी डॉलर ज़्यादा मजबूत हो रहा है, तो इन तमाम चुनौतियों से जूझना पड़ेगा RBI को। RBI किस तरह से एक बैलेंस व्यू बना के लिक्विडिटी भी सिस्टम में बनाए रखेगा और रुपए की कमजोरी पर भी लगाम लगे, तो एक बड़ी चुनौती है RBI के पास रुपए की कमजोरी को रोकने के लिए। अब जानकारों का यह मानना है कि बेशक अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम थोड़े कम हो जाएं या फिर ब्याज दरें बहुत तेजी से बढ़ जाएं, लेकिन यहां से बहुत ज्यादा अब गोल्ड की कीमतों में डोमेस्टिक मार्केट में गिरावट की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आप रुपया देखिए कमज़ोर हो रहा है, रुपया अभी भी लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो लिहाजा रुपये का कमज़ोर होना गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि हम जो हमारी जो खपत है गोल्ड की, उसमें से ऑलमोस्ट हम गोल्ड का इम्पोर्ट करते हैं, और रुपया जब वीक होता है तो गोल्ड का इम्पोर्ट महंगा होता है, लिहाजा दाम बढ़ते हैं। तो मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में थोड़ी बहुत कमी की गुंजाइश है गोल्ड की कीमतों में, लेकिन घरेलू बाज़ार में 49,000-50,000 ये रेंज आपको गोल्ड का नीचे का मिल सकता है, इससे ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट का मानना है कि अब यहाँ से जो निवेशक हैं जो लंबे समय के लिए गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं या लगाते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका होगा। अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी के भाव में गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव 46,000 के नीचे जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दे।